ये तस्वीरें मंगलवार की सुबह की हैं, जब छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर संदीप जीआर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी उन्हें भीतर सूचना दी गई कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला अपना दुख लेकर यहां आई है। बाहर निकलकर जब इस महिला से इसकी समस्या पूछी गई तो कलेक्टर भी चौंक उठे। दरअसल छतरपुर जिले के नज़दीकी ग्राम कैड़ी की रहने वाली इस महिला के बेटे और बहू ने इसको घर से निकाल दिया है। रमली साहू का कहना है कि उसकी दो बेटियां थीं, दोनों की शादी हो गई। एक बेटा है जो अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहता है, लेकिन बहू इस बुजुर्ग महिला को अपने साथ नहीं रखना चाहती। रमली साहू को पहले खान पान के लिए पेंशन मिलती थी, लेकिन वह पेंशन भी बंद हो गई, जिसके कारण अब उसके पास गुजर बसर का कोई इंतजाम नहीं है। इस महिला की बातों को सुनकर छतरपुर के कलेक्टर संदीप जीआर ने संवेदनशीलता दिखाई और महिला को छतरपुर के ही जिला अस्पताल में मौजूद वृद्धाश्रम में शिफ्ट कराया। कहाँ की रहने वाली? कैरी। का बहू, लड़का बच्चा कितने हैं तुम्हारे? टैक्सी लेने आए थे। हमारे कहाँ दो बिटिया है, सब अपने अपने घर की, एक चटम में एक श्रीनगर में, और लड़का ये का ये तो सो बाबा का यानी ने लड़का यानी से दान जैसे पाव रात कछु नहीं करत। वो तो मैं नहीं रखा संगे, हमें नहीं देत कछु नहीं, हमें तो मारा थे बाबा का चली गया। मैंने कही हमें तई बनो रान दे तो कुआ पे सो काट के हमें नहीं रान दे रहे हैं। जाओ जा जाने होते तो कौन तुम्हारे बाप को आए मारा देगा तुम्हें? मारा थे और काटते थे नहीं है तुम्हें बाप को। सो करी आई कि सावा सुनाओ या मिल गया अंडा सुखा लाओ। आज कहाँ आई थी? कलेक्टर लो है? कलेक्टर लो आई थी? हाँ। क्या कह रहे भी? ये पेंशन दे रहा है पहला सुखा था भाई, अब नहीं देख बेच कह रही थी और कहते सानिया जाओ। सो सानिया गई तो सानिया करने दिया तो पेंशन दी मिला सब कार में ले लो ना कार में सब कुछ तो चाहने जाओ कछु नहीं है।